अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका होस्ट ताहिर एक नई व्लॉग के साथ एक नई लोकेशन पर। आज हम आपको एक और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, एक और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस पर्सन खावर और या फिर मलिक इब्राहिम, उनसे मुलाकात करवाएंगे और जानते हैं उनके इस बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस जो है वो रिटेल से या ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड है। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल किया, इन्होंने यहाँ पे मेहनत की, अपना एक मकाम बनाया और आज यहाँ पर ये एक रिटेल सुपर स्टोर के मालिक हैं। तो आइए इनके सुपर स्टोर पर, इनके रिटेल स्टोर पर इनके बारे में और इनकी ग्रोसरी के बारे में मालूम करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट ताहिर अगेन। और इस वक्त मैं हूँ फेमस ग्रोसरी स्टोर माही बाज़ार, और इस वक्त मेरे साथ हैं बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छे इंसान, माही बाज़ार के को ऑनर। आप आइए इनसे बात करते हैं, इनसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसी पंजाबी गल करनी है, उर्दू गल करनी, किस तरह? जिस तरह लाइक करो उस तरह। अच्छा जी, चलो जी पंजाबी गल करते हैं। पैंत की ना है थोड़ा? मोहम्मद इब्राहिम मलिक। मोहम्मद इब्राहिम मलिक इस वक्त साढ़े नाल है। पूछते हैं इन्हों के बारे, इन्हों की ग्रोसरी स्टोर के बारे की ख्यालात ने, और कोई रमज़ान करीब करीब है, की पैकेज की ऑफर कर रहे हैं, कुछ ख्याल दसो जी अपने। माही बाज़ार है, हमारे ये दोस्त हैं हाजी खावर साहब, उनका ये बहुत फेमस बाज़ार है वर्जीनिया में, एशबर्न में। और इधर मीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोगों को अच्छी सर्विस सप्लाई की जा रही है, और रमज़ान में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छे रेट पे दी जा रही हैं। मसलन गार्ड राइस है, ओशन पर्ल राइस है, और थ्री रिवर राइस, और शान के मसाला जाते हैं, और इसके साथ लजीज़ा के और नान वगैरह की क्वालिटी जो दीप वगैरह है उन पे कोई और प्राइस ऊपर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आजकल हालात बहुत टफ हैं, और काफ़ी कंपनीज ने अपने कंटेनर आने की वजह से जो अपने भाव तो ऊपर किए हुए हैं, लेकिन दीप कंपनी और मेज़बान कंपनी और शान ने अपने वही पुराने रेट्स रखे हैं। लिहाजा आप आएँ, आपको अच्छी सर्विस दी जाएगी और अच्छे तरीके से आपके साथ पेश आया जाएगा। तो गाइज़ ये बात आप देख लें, रमज़ान काफ़ी करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब, मलिक मोहम्मद इब्राहिम साहब। सो गाइज़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक और पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तानी अमेरिकन। आइए इनसे इनके ख्याल के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एजाज साहब। आप यहाँ पे ग्रोसरी करते हैं मदीना, सॉरी माही बाज़ार से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस स्टोर के बारे में? आप सेटिस्फाई हैं, नॉट सेटिस्फाई हैं, या आप अनहैप्पी हैं, कुछ इस बारे में बताएं। सेटिस्फाई तो हैं, मतलब इनके पास चीज़ें सब मिल जाती हैं, ये तो है, वैरायटी काफ़ी है इनके पास, राइट। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव। क्या ये वजह, इस वजह से है कि क्योंकि ये एजबर्न में लोकेटेड सारा जो है वो इंटरनेट हब है, और ज़रा जो सारा you know like yeah, and also because they have monopoly, there is no other better store. Okay, so this is the one of the store. Okay. One of the reasons. Yes. Okay. Yeah. तो और आप अब यहाँ पे रिहायश आपके हस्बैंड में? जी। तो इफ़ यू डोंट माइंड मे आई से कि आप यहाँ की लाइफ स्टाइल से, यहाँ की ज़िंदगी से आप खुश हैं, यहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आप बोलेंगे। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम है जी, वहाँ तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीज़ें महंगी हैं हर चीज़, सो इट्स मच बेटर हियर, एटलीस्ट देयर इज नो हैसल। ऑसम ऑसम। तो ये हमारे साथ थे भाई एक और पाकिस्तानी, इनसे इनका ओपिनियन लिया है, इनकी मेहरबानी, ये दो मिनट के लिए रुके। तो गाइज हम अपने नेक्स्ट व्यूअर की तरफ जाएंगे। थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। सो गाइज हमारे साथ एक और पाकिस्तानी अमेरिकन व्यूअर इधर मौजूद हैं, और इनसे देखते हैं इनके क्या ख्याल हैं, व्हाट्स देयर ओपिनियन अबाउट द माही बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? फहीम। फहीम भाई हमारे साथ हैं, आए फहीम भाई से पूछते हैं। फहीम भाई आप इस ग्रोसरी स्टोर के बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या ओपिनियन है? अच्छा है, साफ़ सुथरा स्टोर है। अच्छा। प्राइसेस थोड़ी कभी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अच्छा। रीज़नेबल है, कोई ऐसा ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। तो जो चीज़ आप आते हैं देखने के लिए, जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है परचेज़ करने के लिए, वो आपको ईजिली जैसे अवेलेबल मिल जाती है? हाँ, अवेलेबिलिटी बड़ी अच्छी है इनकी। अच्छा। और असल चीज़ ये है कि सफाई, साफ़ सुथरा, मीट सफाई बहुत है, मीट अच्छा बनाते हैं, कटिंग अच्छी है, राइट। तो व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये इनके बकौल चीज़ें जो हैं, या जो जो हमें गुड्स ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो ईज़िली अवेलेबल हैं, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं। आप टोटली सेटिस्फाई हैं इस स्टोर से? हाँ, टोटली सही, इसका सब्सटीट्यूट नहीं है इस एरिया में कोई भी। अच्छा। और स्टोर्स हैं बहुत सारे जी, लेकिन ये काफ़ी कंपेटिटिव भी हैं बाकी, राइट। तो आगे जो रमज़ान के हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है? रमज़ान आ रहा है और इनकी जो
जो सेल चल रही है, आप समझते हैं कि लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा रमज़ान की जो? जी कन्वीनियंट है इन दैट सेंस के वो यहाँ पर आपकी सब आपको सवैयाँ हैं, जैसे कभी शॉर्ट हो जाती हैं, ये बेसन है जो रमज़ान की आइटम्स है, राइट, इनके पास अमूमन शॉर्ट नहीं। नाइस नाइस। तो आप इसी एरिया में रहते हैं या भाई? जी मैं एशबन में रहता हूं। एशबन में रहते हैं। सो पाकिस्तान से, इफ़ यू डोंट माइंड, वुड यू लाइक टू शेयर, पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान से। मुल्तान से। सो गाइज़, हमारे एक और मुल्तान से भाई मुलाकात हुई है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। जी आबिद भाई, आप इस माही बाज़ार के बारे में, आप, मैंने देखा आपने अभी शॉपिंग की है। यस शॉपिंग की है। तो आप इसके बारे में कुछ अपना ओपिनियन देंगे? यस बहुत अच्छा है। 3-4 साल से हम यहाँ से ग्रोसरी कर रहे हैं। अच्छा। मुझे 4 साल हो गया अमेरिका में आए हुए। अच्छा, इनका अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है। आप सेटिस्फाई हैं? यस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि आप लोकल हैं यहाँ से, एजबन से, या आप बाहर से कहीं से शॉपिंग के लिए आते हैं? नहीं मैं यहाँ वर्जीनिया से हूँ। वर्जीनिया, आप यही इसी शहर में? यस यस। अच्छा अच्छा, तो आप टोटली सेटिस्फाई हैं और आने वाला वैसे भी रमज़ान के जो है वो दिन आ रहे हैं? yes, तो यस यस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी चीज़ें मिल रही हैं माशाल्लाह। हाँ, आप सेटिस्फाई हैं इनके मीट से? यस यस, हलाल मीट और जो ग्रोसरी जो स्टफ़ है वो आप खुश हैं? अच्छा है, हमें पाकिस्तान में जो चीज़ें मिल रही थी, अच्छा पाकिस्तान की चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। इजी हाँ, प्राइस से और इनके उससे मुतमईन है? यस। अच्छा, प्राइस में आपको पता कि ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है? यस यस। वैसे भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है? वो बढ़ रही है। यस। तो आप बता रहे हैं आपके 4 साल हो गए अमेरिका में आ गए? यस। आप शेयर करना पसंद करेंगे 4 साल पहले जो महंगाई थी एज कम्पेयर टू 4 ईयर्स बिफोर, अब आप समझते हैं बेहतर? बहुत ज्यादा हो गई है, ज्यादा महंगाई हो गई। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हर तरफ ये हालात, हर तरफ ये हालात। अच्छा अच्छा। तो अबद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया आप आज़ाद कश्मीर से। यस। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज ये था मेरा व्लॉग एशबन के माही बाज़ार के मतलब, जहाँ पर आपको हलाल चिकन मिलेगा, हलाल मीट मिलेगा और रमज़ान की वो तमाम अशिया जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। मेरा ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है एक और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बात करने के बाद। इनकी बिज़नेस को देखकर बहुत खुशी होती है, यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट वीक व्लॉग पे मुझसे मिलिए नई जगह पर, नई लोकेशन पर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू कैन गेट अर्ली नोटिफिकेशन। उसके अलावा मेरे व्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इन्जॉय कीजिए और हैप्पी रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।